रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर ITBP करेरा ने बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं को सर्वश्रेष्ठ प्लाटून रनिंग ट्रॉफी प्रदान करने के लिए विशेष समारोह का आयोजन किया। RTC ने प्रशिक्षुओं को 16 प्लाटून भर्तियों में बांटा है। प्रत्येक प्लाटून में 30 कांस्टेबल भर्ती होते हैं। DIG सुरेंद्र खत्री ने बताया कि हर सप्ताह 16 प्लाटून के बीच एक प्रशिक्षण या खेल गतिविधि आयोजित की जाएगी। प्लाटून जो भी जीतेगा उसे बेस्ट प्लाटून ट्रॉफी दी जाएगी। 30 जुलाई 2021 को आयोजित समारोह में बाहुबली बैच के प्लाटून नंबर 7 में बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ रहने के लिए फर्स्ट रनिंग ट्रॉफी जीती। सिपाही भर्ती राजेंद्र मासाराम ने युद्ध पोत में 5 किलोमीटर की दौड़ 22 मिनट में पूरी कर प्रथम स्थान हासिल किया। इस प्रतियोगिता के भाग के रूप में निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए। 5 किलोमीटर दौड़, 6 तिर जो रस्सी पर चढ़ना, ऊर्ध्वाधर रस्सी पर चढ़ना, 9 फीट की खाई को पार करना और 60 मीटर की दौड़। एक सैनिक को अपने निजी हथियार से इन सभी आयोजनों को बैटल ड्रेस में क्लियर करना होता है। समारोह के हिस्से के रूप में ITBP कैंप के बच्चों ने जूडो प्रदर्शन किया, जिसे समारोह के मुख्य अतिथि DIG APS निम्बाडिया ने खूब सराहा। मुख्य अतिथि ने RTC करेरा द्वारा शुरू की गई नई विचार प्रक्रिया की सराहना की, क्योंकि इससे विभिन्न प्लाटून के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होगी और इस तरह उच्च प्रशिक्षण मानकों की ओर अग्रसर होगा। इस अवसर पर बच्चों ने बाल का पौधा भेंट कर मुख्य अतिथि का अभिनंदन किया। पहली बात तो आप अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है। जिंदगी का रूल अपना एक थंब रूल ये बना लो, आप लोग पूरे हिंदुस्तान के कंपटीशन में अपियर हुए हैं और मेरिट में आने के बाद ही SSC के द्वारा आपका चयन हुआ है, तभी आप यहां पहुंचे। आप लोग किसी से कोई कम नहीं है, इसलिए यह कहना कि साहब ट्रेनिंग में मैं चीज समझ रहा हूं नहीं समझ रहा हूं वो बेमाने है, मतलब ही नहीं बनता। कि जो बच्चा 30-40 लाख बच्चों में सिलेक्ट होता है यहां तक पहुंचा है वो असाधारण है। किसी के चीज समझ में नहीं आ